नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त अभी हम आरा सदर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार सिंह जी। मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूं और आप देखेंगे तमाम गतिविधियों से अपने आप को सुचारू तरीके से अपने पंचायत को डेवलप करने के कगार पे हमेशा डेवलप करने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ बहुत सारी परेशानियों से थोड़ा सा हमेशा तनाव में रह रहे हैं। कारण क्या है ये जानते हैं। चूंकि अभी सरकार के द्वारा आदेश आए हैं कि पंचायत में हर घर में चार मास्क, हर परिवार में चार मास्क और एक साबुन देना है, तो ना साबुन का वितरण किया जा रहा है, ना ही मास्क का वितरण किया जा रहा है और भी बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, आइए जानते हैं। तमाम दर्शक आपको टेलीविजन पर देख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं, जानना चाहेंगे बहुत सारे। चूँकि आप शुरू से ही काफ़ी जुझारू रहे हैं, अपने पंचायत के बारे में हमेशा डेवलपमेंट के सोचते रहते हैं, काफ़ी विकास के तरफ आपका रुझान रहा है, लेकिन एकाएक इस तरफ आपकी पंचायत की विकास की गति रुक गई। अभी मास्क वितरण करने में जहां आप हर चीज़ में आगे रहते थे, अभी देख रहे हैं आपके पंचायत में ना मास्क वितरण हो रहा है, ना साबुन वितरण हो रहा है। सारे आपके पंचायत के लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी कुछ सुगुगार नहीं रहे, आखिर इसका कारण क्या, क्या बताना चाहिए। सबसे पहले तो आपको हमारे पंचायत की तरफ से और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इस तरह की समस्या की जानकारी आपको मिली तो हमारे पास आप आए और ये सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लेवल पर जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनको उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। समस्याएं तो बहुत सारी हैं और समस्याओं के अंबार हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं, अभी कोविड-19 के संक्रमण का जो दौर चल रहा है इस समय की समस्या आपसे हम आपके पास। सबसे पहले है कि हम जब जब सरकार का निर्देश आया उस आलोक में हम अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में हम बैठक बुलाए, एक समीक्षा बैठक भी किए। उस समीक्षा बैठक में हम सभी संबंधित पक्षों को और कर्मचारी को बुलाए जिसमें पंचायत सचिव नहीं आए। हम इस संबंध में लेटर भी दिए, उस लेटर के आलोक में कोई कार्य नहीं, कोई अनुपालन नहीं हुआ पदाधिकारी लेवल से। उसके बाद हुआ कि लोगों को साबुन मास्क और सैनिटाइजर का छिड़काव करना है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग का पत्र निकलना था, स्वास्थ्य विभाग का पत्र निकला था। उस आलोक में कई बार पत्र दिया गया लेकिन कहीं भी अनुपालन धरातल पर नहीं मिला और हम बहुत कोशिश किए कि इसका अनुपालन कराएं, लेकिन पंचायत सचिव के मनमानीपूर्ण रवैया की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और इस संबंध में बहुत सारे पत्र हमने DM साहब को, DG महोदय को और प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राइमरली हम दिए, उनको टेलीफोन के द्वारा भी सूचना दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत खर्चे से सभी लोगों को जो क्वारंटाइन फैमिली हैं उनको पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव और लोगों को मास्क, क्वारंटाइन सेंटर को साबुन मास्क और सैनिटाइजर हम उपलब्ध कराए हैं। अभी जहाँ तक बात चल रही है, चूँकि हर फैमिली को, हर पंचायत में आपके हर परिवार को चार मास्क और साबुन मिला है, ये बिहार सरकार का निर्णय है, तो आप लोगों को लेटर दिया हुआ है, तो फिर ये चार मास्क और साबुन क्यों नहीं दिए जा रहे, क्या आप इस संबंध में। हमको लेटर मिला था और इस लेटर का अनुपालन के लिए हम पंचायत सेक्रेटरी को पत्र दिए। कौन है आपके पंचायत सचिव? शिवजी प्रसाद सिंह जी, लेकिन वो अपने हमारे पंचायत में कभी आते नहीं हैं। कई बार उनको पत्र दिए, फोन के द्वारा सूचित किया, क्या कहना है उनका, आते नहीं है, बस बहाना है, मनवाना पूर्ण रवैया है, कुछ भी कहना नहीं है। और इस संबंध में हम वरीय पदाधिकारी को भी सूचित किए, लेकिन ऐसा जब तक आएंगे नहीं, चेक तैयार करके देंगे नहीं, तब तक हर घर को साबुन और मास्क कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी कि परेशानी वहीं से, काफ़ी परेशानी है, बहुत परेशान है। आप लोग देख रहे थे हमारी बात हो रही थी, ये बसंतपुर पंचायत के मुखिया है, काफ़ी जुझारू मुखिया है और हमेशा अपनी कर्मठता से जाने जाते हैं, लेकिन काफ़ी ही परेशान नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से इनके पंचायत का जितने भी कार्य है काफ़ी अवरुद्ध है। मैंने इनसे जब बात की तो आप लोगों ने देखा, इनका कहना है कि अभी की जो स्थिति बनी हुई है, हमारे जो भी पंचायत सेक्रेटरी हैं हमारे पंचायत में न कभी आते हैं और न ही हमसे कुछ सलाह मशवरा लेते हैं, हमेशा एक दूसरे के टीका टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। अभी मास्क बांटना है, साबुन बांटना है, और जब तक पंचायत सचिव आएंगे नहीं, जब तक पंचायत सचिव चेक काटेंगे नहीं, तो हम मास्क कहाँ से खरीदेंगे, कैसे हम साबुन वितरण करेंगे और कैसे मास्क वितरण करेंगे। मैंने इसकी, जैसे कि इनका कहना है कि मैंने इसका शिकायत भी की, अपर पदाधिकारियों से मैंने शिकायत भी किया, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यदि होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के उस एजेंडे का, जो सरकार ने एक
तय किया है कि नहीं, जितने भी लोग हैं कोविड 19 के, यदि बात की जाए, चूंकि कोरोना का जो संकट है पूरे देश में व्यापक पैमाने पे है, सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि पंचायत के जो मुखिया है अपने पंचायत के हर परिवार में 4 मास्क और साबुन दे। लेकिन इस तरह की जो सचिव का जो मेंटिलिटी, क्या कहा जा सकता है कि सचिव क्यों ऐसे कर रहे हैं, पदाधिकारियों को जांच पड़ताल करनी चाहिए और मुखिया के द्वारा या जो भी इसका जो टर्म कंडीशन है इसके द्वारा पंचायत में हर घर को मास्क प्रोवाइड करना चाहिए, साबुन प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमें जहाँ तक लगता है कि जितने भी पदाधिकारी देख रहे हैं इस पर जाँच पड़ताल की जाए कि आखिर समस्या कहाँ हो रही है, आखिर मुखिया और सचिव के बीच कहाँ से क्या अनबन है, क्यों उस तरह के काम हो रहे हैं जिससे आम आवाम प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ की विकास प्रभावित हो रही है। तो इस तरह की गतिविधियों की जानकारी लेनी चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ।